हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे भाई लोग। और देखो आज अपनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई सीधा रिंग रोड से। तो आज भाई साहब काफ़ी दिनों के बाद हम नामकुम वाले रिंग रोड के साइड पे आए हुए हैं। सो बॉयस, अभी का टाइम हो रहे हैं 1:10 और मुझे कुछ काम था इधर, तो हम आए हुए थे तो सोचे आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बना दे भाई। वैसे भी मुझे आजकल टाइम तो मिल नहीं पाता है ब्लॉगिंग के लिए, तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो हमने सोचा कि ब्लॉग बना लिया जाए। अरे 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 भाई, अभी हम ठोक देते हैं। तो गाइस, अपनी बाइक ना बिल्कुल नहीं भाग रही है भाई, पूरा लग रहा है कि भाई ज़बरदस्ती इसको खींचना पड़ रहा है। तो भाई साहब अपनी बाइक का हो चुका है चेन स्प्रॉकेट पूरा ख़त्म, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट कितना चल गया अपनी बाइक, 12,000 किलोमीटर चली गई है भाई, तो इतना में तो ख़त्म हो ही जाएगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी और कम से कम 500 किलोमीटर इसको चलाएंगे, उसके बाद चेंज कराएंगे। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि धुरवा होके चले धुरवा डैम, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो चुका है इधर आए नहीं है, और अभी का टाइम हो रहा है भाई दोपहर है, तो दोपहर में उतना ज़्यादा तो कोई रहेगा नहीं, तो बस हम लोग धुरवा डैम घुसते हुए निकलेंगे भाई। आप लोगों को दिखाएंगे अभी का क्या ही सीन है वहाँ का। तो चलो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखो कार जली हुई है भाई साहब। कौन सा कार था? पूरा जल के राख हो चुका है। पता नहीं किसी ने जलाया या फिर एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। वैसा तो वहाँ पे कुछ लग नहीं रहा था कि एक्सीडेंट वगैरह। तो भाई फाइनली हम लोग धुरवा डैम पहुंच चुके हैं, और देखो अभी तो थोड़ा आजकल गर्मी आने वाला है भाई, तो धूप अब लगता है दोपहर में काफ़ी ज़्यादा। ओहो भाई साहब, ऑलमोस्ट अब गर्मी तो पहुंच ही चुका है। वैसे फैब महीना ख़त्म होगा ना, उसके बाद से भाई गर्मी लगना स्टार्ट। वैसे अभी भी कुछ ज़्यादा ही धूप पड़ता है भाई दोपहर में। तो हम लोग रुकेंगे नहीं गाइस, बस सीधा चले जाएंगे। हमने सोचा था भीड़ नहीं रहेगा, बट देखो जगह जगह पे लोग बैठे हुए हैं। अरे भाई पूरा थोड़ा सा साइड करके आ यार, पूरा एरिया कवर करके आ रहा है भाई, जगह भी नहीं दे रहा जाने के लिए। अंकल कहाँ ध्यान है? इवनिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड रहता है। अरे अरे अरे, यहाँ पे देख रहा आंधी तूफान। सो गाइस, हमारे ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई आपकी बाइक माइलेज कितनी दे रही है। तो भाई हमने अपनी बाइक का प्रॉपर माइलेज टेस्ट किया नहीं है, हमने कई ब्लॉग में बोला भी है कि हम चेक करेंगे अपनी बाइक का माइलेज टेस्ट, बट हम किए नहीं है। बट देखो अब आने वाले टाइम में करने का कोशिश करेंगे हम। और जहाँ तक मुझे लगती है कि हमारी बाइक का माइलेज है 35 से 40 के बीच पे, और ये कन्फर्म नहीं है कि 35 से 40 के बीच में देता है, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम इसे रेगुलर यूज करते हैं और उसी हिसाब से हम इसमें फ्यूल वगैरह डलाते हैं, तो मुझे आइडिया मिल जाता है भाई कि कितनी के बाइक अपनी माइलेज दे रही है। तो आज है भाई क्रिकेट मैच, जो भी टेस्ट मैच चल रहा है मुझे उतना आइडिया नहीं है, वैसे हम क्रिकेट वगैरह तो ज़्यादा देखते नहीं है। तो देखो इधर से भी एंट्री होने वाला है। तो गाइस ये हमारे रांची का क्रिकेट स्टेडियम, और आज यहाँ पर क्रिकेट टेस्ट मैच होने वाला है। तो किनके बीच हो रहा है मुझे कुछ उतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ से एंट्री हो रही है भाई,
अगर मेन गेट तरफ जाने दिया जाता तो आप लोगों को मैं दिखाता। चलो कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने का। सो गाइस मुझे नहीं लगता कि आगे जाने दिया जाएगा क्योंकि भाई इधर से एंट्री मिल रही है। चलो अगर जाने दिया जाता है तो फिर आगे से हम लोग निकल लेंगे। तो भाई साहब देखो यहाँ से एंट्री मिल रही है और अपने को इधर से लेना है राइट। सो गाइस जहाँ तक मुझे आइडिया है कि टेस्ट मैच है और किनके किनके बीच है ये मुझे आइडिया नहीं है, तो आप लोग अगर आइडिया है आप लोगों को तो कमेंट करके बता देना। तो लगता है प्लेयर लोग आ रहे हैं, रुकना पड़ेगा अपने को। सो गाइस यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई। तो गाइस हमने आप लोगों को बताया कि पतझड़ का मौसम आ चुके हैं, देखो पूरा पत्ते झड़ चुके हैं पेड़ से, अब इसमें न्यू पत्ते आने वाले हैं भाई। आजकल हम सीढ़ी में भी राइड करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, और राइड हम इसलिए नहीं करते ना सिटी में कि अपने पास ना थोड़ा अच्छा माइक नहीं है और विंड नॉइस बहुत ज़्यादा आता है। हमने बोला है भाई कि माइक वगैरह खरीदेंगे बट अभी तक खरीद नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे खरीदेंगे। सिटी में बाइक चलाना मतलब खतरों से खेलना। चल हमने एक भाई का वीडियो देखा था रांची का ही है भाई साहब, सही है यार वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना भाई राइड करते हुए, मतलब सिटी पे बाइक चलाते हुए ना, कि मुंह से गाली निकल ही जाता है। हमने इंस्टा रील्स पे वीडियो देखा था, मुझे याद भी नहीं है कि उसका आईडी क्या था। पुलिस वाले अंकल देख रहे थे, देखने से कुछ नहीं होगा, अपने के पास सारा डॉक्यूमेंट है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे किसी दिन रोके। सो गाइस हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है बट हमारा ये PUC का डेट ख़त्म हो गया था और हमने उसे फिर से बनवा लिया है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और पहले 6 महीने का बनता था, अभी भाई 1 साल हो गया है तो चलो अच्छा है, 50 रुपीज़ में अपना काम बन गया। पहले भी 50 लेता था बट 6 महीने तक का वैलिड था, अभी 1 साल का वैलिड है। सो गाइस रांची में अभी सारे और फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं ना, जिसके वजह से रोड थोड़ा इधर उधर बना हुआ है। तो गाइस इधर काफ़ी हद तक काम हो चुका है, अब आगे देखना पड़ेगा आगे कितना काम हुआ है। सही लग रहा है भाई, मुझे रांची में सबसे ज़्यादा काम यहाँ का लगा भाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है और कहीं कहीं पे इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, अभी भी उधर हो ही रहा है, इधर में काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुआ है काम। तो ये देखो गाइस यहाँ पर काम चल ही रहा है अभी भी, यहाँ पे दो दो फ्लाईओवर हो जाएगा, एक नीचे एक ऊपर। अरे रुक रहे भाई कहाँ घुसा आ रहा है। थोड़ा साइड करके रोको ना रे चचा, ऑटो वाला लोग बीच में रोक देता है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो भाई लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और कमेंट भी कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।